नमस्कार जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट एम सी क्यू संदीप में दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं डी एल बैच का नॉन प्रमोटेड स्टूडेंट फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित किया जा चुका है और उसी में जो प्रमोटेड स्टूडेंट थे उनके बैक पेपर का भी एग्जाम था 2017 बैच के स्टूडेंट जिनका बैक पेपर का एग्जाम फोर्थ सेमेस्टर का था सभी का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और आपको मालूम होगा कि करीबन 77% परसेंट स्टूडेंट को अनुतीर्ण घोषित किया गया है और 23% परसेंट के आसपास स्टूडेंट को उत्तीर्ण घोषित किया गया है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सभी विषयों में पास होने पर भी क्या आपका रिजल्ट भी फेल दिखा रहा है तो ऐसी कंडीशन बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हुई है कि उनके सभी सब्जेक्ट में नंबर तो पास वाले हैं लेकिन टोटल में नीचे फेल दिखा रहा है ऐसा क्यों हो रहा है आज के इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे और आपको एकदम क्लियर बता देंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और आपको परेशान होने की आवश्यकता है या नहीं शुरू करते हैं आज का वीडियो वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का कर निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहे शुरू करते हैं आज का सबसे पहले तो मैं उन सभी स्टूडेंट को बधाई देना चाहता हूँ कि जो सभी सब्जेक्ट में पास हैं और टोटल में भी पास दिखा रहा है उनको बहुत बहुत बधाई और ऐसे स्टूडेंट को भी बधाई जो फोर्थ सेमेस्टर में सारे सब्जेक्ट में पास हैं जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक स्टूडेंट की मार्कशीट है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उनतालीस बी ग्रेड दे रखा है तैंतीस बी ग्रेड दे रखा है सोलह बी ग्रेड बारह सी ग्रेड अट्ठाइस सी ग्रेड सोलह बी ग्रेड 15 सी ग्रेड 15 सी ग्रेड यानी आप यहां देख सकते हैं किसी में भी डी ग्रेड नहीं है यानी कोई भी सब्जेक्ट में स्टूडेंट फेल नहीं है और फिर भी लास्ट में यहां पर आपको फेल दिखा रहा है ऐसा क्यों है अब इसका क्या मतलब माना जाए क्या फोर्थ सेमेस्टर में ये स्टूडेंट फेल है तो दोस्तों इसका ये मतलब है ध्यान से सुनिए देखिए आपका जो ये रिजल्ट है फोर्थ सेमेस्टर का इस फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट में आप पूरी तरह से पास हैं इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि में पास हैं। अब समस्या ये आती है कि आखिर ये जो है ये फेल क्यों दिखा रहा है तो यहां पर आप देखिए आप यहां ध्यान से देखिए ये चतुर्थ सेमेस्टर दे रखा है ये प्रथम ये द्वितीय और ये तृतीय ये तीन ये चार सेमेस्टर का यहाँ पर डिटेल दे रखी है और ये उनके नंबर दे रखे अब यहाँ पर अच्छे से बात समझने वाली ये है कि अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट किसी भी सेमेस्टर में बैक लगी हुई है मान लीजिए आपका फर्स्ट सेमेस्टर अच्छे से पास हो गया ठीक सेकेंड सेमेस्टर भी अच्छे से पास हो गया मान लीजिए थर्ड सेमेस्टर में बैक लगी हुई है ठीक है और फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट तो ये जो आया है इसमें भी आप पास हो गए तो थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट में बैक लगी मान लीजिए मैथ में बैक लगी हुई है तो अभी उसका एग्जाम नहीं हुआ है अभी थर्ड सेमेस्टर के बैक का एग्जाम नहीं हुआ है वो 2019 बैच के थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम के साथ होगा तो थर्ड सेमेस्टर में आपकी बैक लगी किसी भी एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट में तो उसका एग्जाम अभी होना बाकी है यानी आपका जो डीएलएड है वो अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है इसलिए यहां पर ये फेल का ऑप्शन आ रहा है बात क्लियर हो गई होगी आपने फर्स्ट सेमेस्टर अच्छे से क्लियर किया सेकेंड अच्छे से क्लियर किया फोर्थ अच्छे से क्लियर किया लेकिन थर्ड में बैक है या फिर हम कह सकते हैं किसी सेकेंड में बैक है मान लीजिए थर्ड भी आप पास कर गए सेकेंड में मान चलिए बैक है तो यहाँ पर आपको फेल दिखाएगा यानी अगर किसी भी एक सेमेस्टर में आपकी बैक लगी हुई है वर्तमान में जिसकी परीक्षा अभी तक आपने नहीं दी है तो आपको ये फेल दिखाएगा ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता तो आप हमें नीचे कमेंट में बता दीजिए देखो ये जो यहाँ पर जो रिजल्ट दिखाया गया है ये पूरे सेमेस्टर का दिखाया गया है यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी का सेमेस्टर का रिजल्ट ये जो फेल दिखा रहा है ये फोर्थ का नहीं है ये है आपका पूरे डीएलएड कोर्स का यानी फर्स्ट उसमें शामिल सेकंड शामिल थर्ड शामिल फोर्थ शामिल जब आप चारों सेमेस्टर में पूरी तरह से पास हो जाओगे तब यहां पर पास दिखाएगा फेल नहीं दिखाएगा तो ये चीज़ आप समझ गए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट परेशान हो रहे थे कि आखिर हमारे सारे सब्जेक्ट में तो अच्छे नंबर है लेकिन यहाँ पर नीचे फेल क्यों दिखा रहा है तो हम समझते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर फेल क्यों दिखा रहा है आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके थर्ड सेमेस्टर में बैक है तो थर्ड सेमेस्टर का जब भी अभी एग्जाम होने वाला है 2019 बैच के साथ तो आप उसको पास कर लीजिए यहाँ पर जो फेल दिखा रहा है वो पास में कन्वर्ट हो जाएगा उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कॉमेंट में हमें जरूर बताइए उसका भी समाधान किया जाएगा जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों ऐसे कितने स्टूडेंट हैं ये भी मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके में सभी सब्जेक्ट में पास होने के बावजूद नीचे टोटल में फेल दिखा रहा है नीचे अपना नाम और अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर बताएं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत